नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की है और चेतावनी जारी कर बताया है कि संक्रमण ज्यादा खतरनाक फेज में पहुंच चुका है। WHO ने बताया कि अब की बार हालात पहले से भी खतरनाक हो सकता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि संक्रमण की स्थिति पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। WHO के डायरेक्टर अधानोम ने कहा कि हम नए और बेहद खतरनाक चरण में पहुंच चुके हैं। WHO के अध्यक्ष ने संक्रमण की तुलना 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से की है। उन्होंने कहा स्पेनिश फ्लू भी एक के बाद एक 3 बार लौटी थी। जैसे ही लोग असावधान होंगे संक्रमण का कहर और बढ़ेगा। झारखंड मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत 25 जून तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और दो या दो से अधिक बार गरज के साथ हल्के बारिश होगी। पिछले 24 घंटा में सबसे अधिक बारिश सिमडेगा में 119.6 मिमी दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 21 जून को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। निजी स्कूल फीस मामला पर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के समय स्कूलों द्वारा फीस वसूली को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि इस तरह का एक समान मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसमें फैसला आने के बाद इसकी सुनवाई की जाएगी। मालूम हो कि इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि लॉकडाउन के कारण स्कूलों को बंद रखा गया, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसलिए फीस वसूली नहीं की जानी चाहिए। झारखंड में आज 59 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो पूर्वी सिंहभूम 23, पश्चिमी सिंहभूम 2, सिमडेगा 17, कोडरमा 5, गिरिडीह 4, रांची 2, गढ़वा 2, रामगढ़ 2, गुमला 1, हजारीबाग से 1 आए। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1965 से बढ़कर 2024 हो गई, जबकि 1404 लोग स्वस्थ हुए और 11 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 411,727 है, जबकि 228,181 लोग स्वस्थ हुए और 13,277 की मृत्यु हो गई। एक्टिव केस कहाँ कितना। पूर्वी सिंहभूम 157, सिमडेगा 109, कोडरमा 79, रांची 52, गुमला 40, हजारीबाग 40, पश्चिमी सिंहभूम 29, रामगढ़ 27, गढ़वा 13, सरायकेला 13, लोहरदगा 11, चतरा 11, जामतड़ा 8, लातेहार 8, गिरिडीह 6, धनबाद 5, पलामू 1, शेष जगहों पर 0 संख्या हो गई है। सरकारी स्कूलों में अगस्त से चना और गुड़ की राशि मिलेगी। झारखंड के कुपोषण प्रभावित 12 जिलों के स्कूली बच्चों को चना गुड़ देने के लिए केंद्र सरकार राशि देगी। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने प्रति बच्चा 4 रुपये देने का आग्रह केंद्र सरकार से किया था, जो केंद्र ने 3.90 रुपये देने की बात कही है। ऐसे में जुलाई अंत तक केंद्र से इसकी राशि मिल जाने की संभावना है, जो कि विद्यालय नहीं खुलने की स्थिति में बच्चों को चना व गुड़ की राशि ही दे दी जाएगी। आपको बता दें कि सप्ताह में 2 दिन मध्याह्न भोजन से पहले चना और गुड़ दिया जाएगा, जो राज्य के 12 जिले गोड्डा, पाकुड़, दुमका, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, लातेहार व पश्चिमी सिंहभूम के बच्चे को मिलेगा। आज 21 जून को लगेगा सूर्य ग्रहण। आज 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है। रविवार अमावस्या के साथ ही चूड़ामणि योग में लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में लग रहा है। आपको बता दें कि 9 ग्रहों में केवल मंगल ऐसा ग्रह है जो संक्रमित नहीं है, लेकिन वे अपने से द्वादश भाव में है। ज्योतिषों के अनुसार ग्रहों की इतनी खराब स्थिति कभी नहीं रही, यह भयावह है, सबको बहुत सावधानीपूर्वक रहना होगा। आपको बता दें कि 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण की शुरुआती 10:20 से होगी और दोपहर 1:49 पर खत्म होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री की झारखंड जनसंवाद रैली आज। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज रविवार 21 जून को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए झारखंड में भाजपा की ओर से जोर शोर से राज्य भर में तैयारी की गई है। इस वर्चुअल रैली के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। रांची के चौक चौराहे होंगे लेफ्ट फ्री। झारखंड की राजधानी रांची के चौक चौराहों पर यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से सभी चौक चौराहों को लेकर लेफ्ट फ्री बनाया जाएगा। लेफ्ट फ्री के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जिन वाहनों को बाईं ओर टर्न लेना है उन्हें रोड लाइट पर रुकना न पड़े और लेफ्ट लेन से सीधे आगे बढ़ जाएं। इस संबंध में नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे के समक्ष कंसल्टेंट ने 20 जून को अपना प्रेजेंटेशन दिया है। झारखंड के सभी जेलों में होगा योग अभ्यास।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बिरसा मुंडा केंद्रीय काराहोटवा रांची समेत राज्य के अन्य जेलों में बंदी ऑनलाइन योग करेंगे, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को रांची, देवघर एवं धनबाद के जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर योगा अभ्यास कराया गया। आपको बता दें कि आज 21 जून को योग दिवस के अवसर पर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक योगा अभ्यास कार्यक्रम चलेगा। झारखंड के 3 जिलों में चलेगा गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत वेबकास्टिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। इसमें देश के 6 राज्यों के 116 जिला के मजदूरों को जोड़ा गया है। इस योजना के तहत झारखंड के 3 जिला हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा सम्मिलित हैं। आपको बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान झारखंड में 3 जिलों में चलेगा। केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हेमंत सरकार। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। झारखंड के हेमंत सरकार ने केंद्र द्वारा लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से कोल माइंस की वर्चुअल नीलामी प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। मालूम हो कि केंद्र की मोदी सरकार ने वाणिज्य खनन के लिए 41 कोल ब्लॉक को वर्चुअल नीलामी के लिए लॉन्च किया है। झारखंड में 2 नए विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। झारखंड सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत संचालित होने वाली उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के शिक्षा जगत को बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। झारखंड में 1 साथ 2 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जो इसमें ट्राइबल यूनिवर्सिटी के साथ झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए पूरे राज्य में ऑनलाइन दुरुस्त शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तथा अलग अलग जिलों में इसके केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां घर पर बैठे विद्यार्थी इसके जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। हजारीबाग की लड़की को फिनाइल पिलाने के मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग की एक लड़की को जबरन फिनाइल पिलाने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी को शपथ दाखिला करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अदालत ने अब तक हुई जाँच पर असंतोष जताया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि क्या आरोपित बहुत प्रभावशाली है कि अब तक गिरफ्तारी से बच रहा है। बता दें कि अदालत ने डीजीपी को 10 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। लॉकडाउन में छूट रहा रोजगार, लोग हो रहे डिप्रेशन के शिकार। अनलॉक हुए 21 दिन होने को है, लेकिन लोगों का दिमाग अभी भी लॉकडाउन है। संसाधन खोने के डर से तनाव बढ़ा दिया है। लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और नेगेटिव विचार हावी है। मानसिक आरोग्य शाला के चिकित्सक अधीक्षक का कहना है कि 30% मरीज बढ़ गए हैं। ये सभी तनाव से ग्रस्त हैं। फोन पर लोगों की काउंसलिंग की जा रही है। रामगढ़ में छावनी परिषद बिल 2020 पर सदस्यों ने जताई आपत्ति। छावनी परिषद अधिनियम बिल 2020 का प्रस्ताव आ गया है, लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध छावनी परिषद के वार्ड पार्षदों के द्वारा ही किया जा रहा है। रामगढ़ छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने इस बिल को लोकतांत्रिक बिल से अलग बताया है। छावनी परिषद के सदस्य ने रक्षा मंत्रालय मंत्री को लिखे गए पत्र में साफ तौर पर कहा है कि नए बिल में कई ऐसे बिंदु हैं जिसे तत्काल निरस्त करने की आवश्यकता है। एसडीओ ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। देवघर उपायुक्त नैनी सहाय के निर्देशानुसार पदाधिकारी सह प्रभारी बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर श्रावणी मेला न होने की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था का जायजा लिया। उधर डीसी नैनी सहाय ने वैश्विक आपदा में दिन रात कार्य करने वाले एनडीआरएफ के सभी जवानों को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हजारीबाग के प्रत्येक पंचायत में 2-2 करोड़ होंगे खर्च, मजदूरों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार के तहत हजारीबाग जिला भी राज्य के उन 3 जिलों में सम्मिलित है। हजारीबाग में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिला में 250 पंचायतों के करीब 2-2 करोड़ की योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि हजारीबाग में 62,000 लोग बाहर से लौटे हैं, जिसमें से 30,000 का स्किल मैपिंग किया गया है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सभी लोगों को उनके गाँव में ही और उनकी स्किल के अनुसार रोजगार दिया जा सके। कैदियों की रिहाई की समीक्षा करेंगी राज्यपाल। संक्रमण को देखते हुए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राज्य के जेल में बंद कैदियों की संख्या को लेकर शीघ्र ही समीक्षा करेंगी।
वैसे कैदी जो मामूली केस में सजा काट रहे हैं उन्हें सजा मुक्त किए जाने का निर्णय लेंगी। राज्यपाल शीघ्र ही गृह सचिव के साथ बैठक कर जेल में कैदियों की स्थिति की समीक्षा कर इस पर निर्णय लेंगी। आपको बता दें कि विधायक अंबा प्रसाद ने राज्यपाल से मिलकर जेलों में कैदियों की संख्या कम करने का आग्रह किया है। गिरिडीह के साइबर ठगों ने 5 करोड़ रकम उड़ाई। साइबर अपराध में गांडे प्रखंड के मरगोडी से जिन 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्होंने कई राज्य पुलिस के सामने उगले हैं। ये लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए 5 करोड़ से भी ज़्यादा की अवैध निकासी सैकड़ों लोगों के खाते से कर चुके हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि साइबर अपराधी काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। उधर गिरिडीह के अंचलाधिकारी ने नियमों को ताक पर रखकर सरकारी भूमि को रायती बनाने के मामले में फंस गए हैं। सीओ के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामलों में शोकाज किया गया है। विशेष श्रमिक ट्रेन से लातेहार लौटे 600 मजदूर। लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिक मजदूर का झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। गोरखपुर से लगभग 600 मजदूरों को लेकर शनिवार को मजदूर विशेष ट्रेन लातेहार पहुंची। सभी का प्रारंभिक जांच के बाद 14 दिन के लिए गृह एकांतवास में भेज दिया गया। पुलिस नहीं खोज पा रही 30 लाख की ठगी के आरोपी को। खेलगांव थाना क्षेत्र के खंडगा में कंपनी खोलकर अधिक मुनाफा का लालच देकर 30 लाख की ठगी के मुख्य आरोपी मिथिलेश पांडे को 1 साल बाद भी पुलिस खोज नहीं पाई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न तो इश्तेहार जारी किया है न ही कुर्की जब्त का आदेश। पुलिस को आरोपी का पता की जानकारी भी नहीं मिल पाई है। विधायक अंबा प्रसाद को ग्रामीणों ने खदेड़ा। झारखंड के हजारीबाग में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंची विधायक अंबा प्रसाद को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। दरअसल 2 गुट में हुए आपसी विवाद का शिकार विधायक अंबा प्रसाद को होना पड़ा। बता दें कि ग्रामीणों के 2 गुटों के आपसी सहमति नहीं होने के कारण शिलान्यास नहीं हो पाया। पलामू जिला अधिवक्ता संघ की बैठक। पलामू जिला अधिवक्ता संघ की आवश्यक बैठक शनिवार को संघ के अध्यक्ष सचिदानंद तिवारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता संघ भवन परिसर में शारीरिक दूरी को बरकरार रखते हुए अधिवक्ता अपना काम निष्पादित करेंगे। रांची में लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है और लोकल के लिए वोकल और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने की अपील कर रहे हैं। कोडरमा में एक युवक ने गर्भवती पत्नी को चाकू मारकर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। लोहरदगा में एक मोबाइल दुकान से 70,000 के उपकरण को चोरों ने उड़ा लिया। वहीं लोहरदगा में एक पत्नी ने अपनी शराबी पति को मौत के घाट उतार दी। रांची पुलिस ने महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर चल रही ठगी का खेल के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। धनबाद में एक 18 वर्षीय युवक ने पंखे के सहारे लटक कर आत्महत्या कर ली। सिमडेगा में अवैध हड़िया दारू के खिलाफ पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।